2022 विधानसभा चुनाव को लेकर योगी सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी के चलते जहां योगी सरकार पूरी हो चुकी परियोजनाओं का उद्घाटन कर रही है, वहीं नई परियोजनाओं का शिलान्यास करती नजर आ रही है। यही नहीं, इस बार योगी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसमें विपक्षी खेमे में खलबली मच गई। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने बांग्लादेश से आए विस्थापित हिंदुओं को पुनर्वासित करने के लिए कार्य शुरू कर दिया। इसलिए जमीन से लेकर आवास योजना से लेकर उनको लंबा काम कराने का जोर दिया जा रहा है। वहीं योगी सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों की फौज इस काम के लिए लगा दी। इसके चलते यूपी के मेरठ में रह रहे बांग्लादेशी हिंदुओं को जनपद मेरठ कानपुर देहात के रसूलाबाद में पुनर्वासित करने की योजना तैयार की गई। इन्हीं कार्यों की निगरानी का जिम्मा यूपी के अपर मुख्य सचिव पंचायती राज एवं ग्राम विकास को सौंपा गया। इसके चलते कल अपर मुख्य सचिव पंचायती राज एवं ग्राम विकास का जनपद कानपुर देहात का दौरा करने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। इस दौरे की तैयारियां और बांग्लादेशी हिंदुओं को स्थापित करने के लिए चिन्हित भूमि और आवास योजना की हकीकत देखने के लिए जिले के मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे अचानक रसूलाबाद पहुंची। इस दौरान सीडीओ ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गांव में है, यहां पे अपर मुख्य सचिव राजस्व पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास श्री मनोज कुमार सर का यहाँ प्रस्तावित विजिट है, जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं। इस भूमि पे 63 हिंदू बंगाली परिवार जो पुनर्स्थापित होके आएंगे, उनके लिए आवासीय और कृषि भूमि का चिन्हांकन होना है। तो मेरे साथ रेवेन्यू की टीम है और मेरे साथ ग्राम विकास की पूरी टीम है। तो हम लोग ये भूमि देखने आए थे कि ये भूमि कितनी उपयोगी है और इसका नजरी नक्शा वगैरह तैयार करने के लिए। और किस चीज़ का निरीक्षण किया इसके साथ? साथ मैं विद्यालय में गई थी यहाँ के, वहाँ पे कायाकल्प की बात देखी तथा मनरेगा प्रधानमंत्री आवास मुख्यमंत्री आवास की समीक्षा की और गौशाला भी इसके बाद देखने जाएंगे कि ठंड से बचाव के लिए गौवंश के लिए समुचित व्यवस्था है। रिपोर्ट तेजस खबर।